रंग ला रहा एसएसपी अजय कुमार का ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान। थाना टुंडला पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। एक अभियुक्त गिरफ्तार, दो फरार। भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने के उपकरण व अन्य अवैध सामान बरामद। एसपी सिटिंग मुकेश चंद्र मिश्रा ने वार्ता कर किया खुलासा। फिरोजाबाद एसएसपी अजय कुमार द्वारा पंचायत चुनाव के दृष्टिगत चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के क्रम में एसपी सिटिंग मुकेश चंद्र मिश्रा के निर्देशन व सीओ टुंडला के पर्यवेक्षण में थाना टुंडला पुलिस ने नकली अमिश्रित शराब बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। दो मौके से फरार हो गए। इस संबंध में एसपी सिटी कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्रा ने उक्त सारी जानकारी दी। साथ ही बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना टुंडला पुलिस ने अभियुक्त पवन को ग्राम मनवारा के जंगल से उसके ट्यूबवेल से अवैध शराब बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। दो अभियुक्त मौके से फरार हो गए, जिनके नाम इसी गांव निवासी शैलेंद्र उर्फ शैलू पुत्र रक्षपाल और मक्खनपुर निवासी आनंद फरार है। बरामदगी में 170 लीटर शराब भरा हुआ ड्रम, 90 पुआ नकली देशी शराब, 22 बोतल शराब हरियाणा प्रांत नाइट ब्लू खाली पुआ, 200 कॉमर रैपर 103 बोतल ढक्कन 910 बार कोड स्लिप 498 दो ड्रम छोटे खाली 10 किलो यूरिया एक स्कॉर्पियो गाड़ी एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बिना नंबर की रंग काला एक राइफल देशी नाजायज 315 बोर 4 जिंदा कारतूस 315 बोर आदि बरामद किया गया। बताया अभियुक्त गण केमिकल का प्रयोग कर शराब का निर्माण कर हाइटर मार्ग का देशी शराब तैयार करते हैं व आसपास के जिलों आगरा एटा में सप्लाई करते हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक केशव दत्त शर्मा सहित उनकी पुलिस टीम शामिल रही। सभी जनता ने पुलिस के इस कार्य की भूरी भूरी सराहना की। खुलासा किया गया थाना टुंडला में कल दिनांक 10/4/21 को समय लगभग 6:30 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टुंडला थाना क्षेत्र की पुलिस प्रभारी निरीक्षक केशव दत्त शर्मा के पर्यवेक्षण में यहां लगी हुई थी। तो उस टीम ने अनवारा ग्राम में एक सूचना मिली मुखबिर की कि वहां पर नकली शराब अपमिश्रित शराब बनाने की एक फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। तो उस सूचना पर तत्काल वहां पहुंच के उन्होंने रंगे हाथों एक अभियुक्त को पकड़ा है, जिसका नाम पवन सनप रक्षपाल है। उस अभियुक्त के पास से एक नाजायज राइफल भी बरामद हुई है 315 बोर की, 4 कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त 160 लीटर शराब का भरा हुआ एक ड्रम मिला है, 90 पौआ नकली देसी शराब के मिले हैं, 22 बोतल शराब हरियाणा प्रांत नाइट ब्लू ब्रांड की मिली है, खाली पौआ 200 रैपर 103 बोतल के ढक्कन मिले हैं, 910 बार कोड स्लिप 498 मिले हैं, दो ड्रम छोटे खाली 10 किलो यूरिया और एक केमिकल की बोतल मिली है जो संभवतः चीनी के घोल से बना के और उससे रंग का देते हैं ये पुट उसमें आबकारी के संदर्भ में जो भी प्रोजेक्ट की बनाते हैं उसमें उसका कलर देते हैं इससे। तो इस प्रकार ये नकली अपमिश्रित शराब बनाने का एक पूरा यहाँ साजो सामान मिला है और ये अपमिश्रित शराब बना के आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर इसको खपाने के इरादे से थे। और इसमें जो अभी तक की तहकीकात हुई है, एक अनवारा ग्राम पंचायत के प्रधानी पद के एक उम्मीदवार संभावित उम्मीदवार हैं जिनके लिए इन्होंने ये कार्य किया था, उनकी स्कॉर्पियो भी बरामद हुई है इनके निशानदेही से, एक स्प्लेंडर बरामद हुई है मोटरसाइकिल, इनको भी माल मुकदमाती के रूप में सीज किया गया है। और इन सबको अभियुक्त पवन पुत्र रक्षपाल के साथ माननीय न्यायालय के अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।